आप देख रहे हैं पुलिस वाला वैब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जनपद पंचायत चितरंगी अंतर्गत ग्राम पंचायत बेरदह सरपंच पद के लिए युवा प्रत्याशी अधिवक्ता मुकेश धर द्विवेदी ने अपने समर्थकों के साथ आज अपना नामांकन दाखिल किया। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए श्री द्विवेदी ने बताया कि मेरा यहां इस मिट्टी से जन्म का नाता है। यहां मेरे बाबा पटवारी स्वर्गीय इंद्र शरण धर द्विवेदी बेरदह हल्का में सेवारत होकर लोगों का कार्य पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन के साथ साथ सामाजिक उत्थान में भी योगदान दिया था, जो इस क्षेत्र के लिए गरीब असहायों के लिए निस्वार्थ सेवा भाव में हमेशा तत्पर रहे, जिनको आज भी लोग अपने दिलों में बसाए हुए हैं। उन्हीं की कृपा आशीर्वाद से आज मैं जनता के बीच अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निर्वाचित हुआ तो सदैव जनता के हित में निष्ठापूर्वक सेवा करता रहूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र की जनता को शासन की योजनाओं का पूरा पूरा लाभ मिले, कोई भी गरीब शासकीय योजनाओं से वंचित ना हो, यही मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो जनता की सेवा में दिन रात समर्पित रहूंगा। अभी तक कितने आवेदन प्राप्त किए जा सके? एआरओ सेंटर में आज दिनांक तक पंच का एक फॉर्म, एक आवेदन पत्र पंच पद हेतु और एक आवेदन पत्र सरपंच पद हेतु प्राप्त हुए है। अच्छा, मुकेश धर द्विवेदी, मैं ग्राम पंचायत बैरदा जनपद पंचायत चितरंगी सरपंच पद हेतु प्रत्याशी हूँ। आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं मुकेश धर द्विवेदी, मेरे बब्बा जी का नाम अवध शरण द्विवेदी पटवारी थे बैरदह ग्राम पंचायत के, और उन्होंने सरकारी सेवा दी है अपने क्षेत्र में। आपकी योग्यता क्या है? मेरी योग्यता बीकॉम एलएलबी किया हूँ और मैं सरपंच पद है तो सरपंच बन के यहाँ पे जनता की सेवा करना चाहता हूँ। किस मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं? और ये हम चुनाव इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि यहाँ की सरकारी जो वो आती हैं सेवाएं वो जनता जनार्दन तक पहुँचे। क्या कर रहे हैं वर्तमान में? वर्तमान में मैं पढ़ाई कर रहा था और अब सरपंच पद हेतु के लिए मैंने प्रत्याशी हुआ हूँ।